हे गाइस, माय नेम इज शाकिब और आप देख रहे हो techhoop.com। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग फुल रिव्यू करने वाले हैं Asus का ये ROG सीरीज का लैपटॉप है, हीरो स्ट्रिक्स 2 GL504 इसका फुल नेम है। और बेसिकली Amazon पे आप ये लिखोगे GL504 तो ये लैपटॉप आ जाएगा। और इसका अनबॉक्सिंग और फर्स्ट हैंड इंप्रेशन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में जो बातचीत थी, मैंने आपको इसके अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में कर दिया था। कार्ट में आपको लिंक दे दूंगा इधर उधर कहीं भी, और उसको आप चेकआउट कर सकते हो अनबॉक्सिंग के लिए। लेकिन आपको ये फुल रिव्यू है और एक्सपीरियंस बेस्ड रिव्यू है मेरा। और अगर जब भी मैं लैपटॉप की वीडियो बनाता हूँ तो मेरे साथ धवल रहता है, लेकिन इस वीडियो में धवल नहीं आ पाया सम रीज़न। लेकिन हाँ, उसने भी बहुत सारे अपने वर्डिक्स दे दिए हैं और उसको मैं इंक्लूड करने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन गाइस, धवल के जितने भी शॉर्ट्स आप देखोगे सब धवल के हैं। सो लड़का अपना प्रो है, सो वो सब कहानी बाद में गाइस। अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के बारे में। सो सबसे पहली बात, इस लैपटॉप की जो प्राइसिंग है वो आपको 1,40,000-43,000 रुपये के तकरीबन आती है, और जो कि बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट ऑफ मनी है। और उतने अमाउंट ऑफ मनी में आपको ये लैपटॉप कितना ज़्यादा वर्थ है और कितना ज़्यादा नहीं है, उन सारे बातों को इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा। और आपको जो हार्ड अर्न मनी है उसको वेस्ट नहीं होने दूँगा, पक्की गारंटी है मेरी। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सो गाइस, इसका जो डिज़ाइन है मुझे बहुत ही कमाल का लगा। ऐसे करके देखता हूँ, आपको थोड़ा सही लगेगा दिखेगा। इसका डिज़ाइन काफ़ी कमाल का और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगा मुझे आगे पीछे दोनों से। और देखने से ये प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप लगता है, क्योंकि थोड़ी सी बीस्ट वाली जो डिज़ाइनिंग आती है वही डिज़ाइनिंग इसमें आपको है। दो टेक्सचर है, ये वाला जो है ये वाला आपको स्क्रैच प्रूफ है, ये वाला जो है इस तरफ वाला, और ये वाला थोड़ा सा आपको डस्ट थोड़ा कैप्चर करता है, ये काफ़ी ज़्यादा डस्ट कैप्चर करता है, और इंडिया में वो तो डस्ट को कैप्चर करेगा ही। लेकिन हाँ गाइस, दूसरी बात ये है कि जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं वो आप कहीं भी बाहर ले जाके खेलने के लिए नहीं होती, वो आपको घर में बैठ के आराम से अंधेरे में लाइट वाइट जला के मस्त खेलने वाली चीज़ है। सो उसके हिसाब से ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और दूसरे सिनेरियो की अगर बात कर लें तो इसका जो वेट है वो आपको 2.6 kg है, और उसके हिसाब से ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। और गाइस, अगर बात करते हैं इसके साइज़ की गाइस, सो एक सेकेंड सो गाइस, इसका जो बेजल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नैनो बेजल्स हैं, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल बनाती है इस चीज़ को, ड्यूरेबल इन सेंस की आपको ले जाने के लिए इधर उधर बहुत ज़्यादा आसान बनाता है। इसका जो साइज़ वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बन जाता है, और एक गेमिंग लैपटॉप के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और इसका बेजल बहुत ज़्यादा प्यारा है। और अगर बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, उससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि ऑन कितना ज़्यादा फास्ट होता है, तकरीबन 7-10 seconds में। देखते हैं। और गाइस, जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक मैं आपको इसके कीबोर्ड के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ऐसा कीबोर्ड जो है RGB की कीबोर्ड है, और ये फुली कस्टमाइज्ड है, और बहुत ही प्यारी लाइटिंग है इसकी। ऑन हो चुका है ये, और यहाँ पे भी जो लाइटिंग बड़ा मस्त लगता है, मतलब रात में खेलने में बहुत ज़्यादा ऑसम फीलिंग आती है इसके साथ। और अगर बात करते हैं इसके यहाँ पे डिज़ाइनिंग की, तो ये पैटर्न वैटर्न बड़ा मस्त है, और रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का यहाँ पे लोगो डाला हुआ है, और यहाँ पे आपको दिया गया है जिसमें ग्राफिक कार्ड्स है वो आपको NVIDIA का ग्राफिक कार्ड्स है, और 1060 है ये, और 1060 बहुत ज़्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड होता है मेरे ख्याल से। 1050 होता है, 1050 Ti होता है, उसके बाद आता है 1060। 1050 आपको मिल जाता है 70,000 में, और 70-75 के हिसाब से मिल जाता है। 1050 Ti जो है वो आपको 80-85 की इसमें, और 1060 वो आपको 100,000 से कम में, बहुत कम सिनेरियो मिलेगा, बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएगा, और उसके बाद ये भाई साहब आते हैं। सो गाइस, ऑन तो हो चुका है ये, और मैंने कुछ वॉलपेपर इंक्लूड नहीं किया, और मैंने बहुत सारे गेम इसमें डाल रखे हैं और खेले भी हैं। सो बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की सबसे पहले डिस्प्ले की गाइस। सो गाइस, डिस्प्ले के मामले में ये लैपटॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इन सेंस कि आपको डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है, आप यकीन मानो, और ये जो डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट नहीं कर रहा और ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये डिस्प्ले को बहुत कारगर और बहुत अच्छा बनाता है। अब बात करते हैं इसके बेजल्स की गाइस। आपको 15.6 इंच का ये डिस्प्ले है, और उसके हिसाब से ये डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कि ज़्यादा आपको व्यू मिलेगा खेलने के लिए गेम, और गेमिंग लैपटॉप्स में इतने ही होते हैं आई नो। अब बात करते हैं कैमरा की गाइस। तो कैमरा आपको यहाँ पे छोटा सा कैमरा यहाँ पे नीचे की साइड इंक्लूड किया हुआ है, और कैमरा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है। कि 1.5 लाख तकरीबन से 1.5 लाख का लैपटॉप है, उसके हिसाब से कैमरा अच्छा नहीं है, एक बार आप देख लो। सो गाइस, कैमरा आप देखते हैं,
तो कैमरा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और मेरा आप देख रहे हो कि यहाँ पर लाइट, इसी लाइट के बारे में बात कर रहा था, और यहाँ पर मेरा मोबाइल लगा हुआ रिकॉर्डिंग के लिए, और गाइस इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है। ये भी फ़ोटो मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर डाल दूँगा। सो अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के इंटरनल्स की गाइस। सो आपको 1,43,000 का लैपटॉप है अमेजोन पे, और इसको थोड़ा सा ऐसे करके देख लगाता हूँ। जो इसका डिज़ाइन है वो बहुत ही कमाल का है। सो गाइस यहाँ पर बात करते हैं इस लोगो की, तो लोगो आपके यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का लोगो है, और ये भी RGB लोगो है, बहुत ही कमाल का लगता है। आप यहाँ से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, मतलब कीबोर्ड के हिसाब से काम करता है, और ये अभी ब्रीथिंग मोड में है तो ब्रेथ जैसे हम करते हैं उस टाइप से काम कर रहा है। और गाइस अगर बात करते हैं इस लैपटॉप की कीबोर्ड्स की, सो गाइस कीबोर्ड इसका सबसे अच्छा ओवरवेलमिंग पार्ट है मेरे ख्याल से। सबसे पहली बात, ये कस्टमाइज हो जाता है कीबोर्ड, और RGB जो लाइटिंग है वो आपको 80-90 हज़ार के नीचे से लैपटॉप में कभी मिलेगी नहीं। सो वो चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा मस्त है और मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे RGB की लाइटिंग थोड़ी सी कम ब्राइट लगी मुझे, लेकिन हाँ थोड़ा चल जाता है वो। अब बात करते हैं गाइस इसके कीबोर्ड के एक्सपीरियंस यूज्ड में। सो एक्सपीरियंस यूज में आपको थोड़ा सा हाथ बैठाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ मेन बात यह है कि जो इसका जो आप कह सकते हो कि कॉम्पैक्ट साइज़ में सारे के सारे की इसमें डाले हुए हैं, इसको मतलब कि एक्स्ट्रा जो नंबर की इसमें वो भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। और गाइस ASUS ने एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जिसको ASUS कहते हैं ROG ओवरस्टॉक टेक्नोलॉजी, जिससे क्या होता है कि जो एक्यूरेसी है कीज़ की एक्यूरेसी गेम खेलते वक्त बहुत ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट रहता है। मतलब कि मैक्सिमम टाइम हम लोग को भी कीबोर्ड एक्यूरेट ही रहता है, लेकिन जो बीच का जो इंटरवल टाइमिंग है वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जो होता है कि आपका गेमिंग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और स्मूथ गेमिंग कह सकते हो तुमको मिलेगा। और गाइस अगर बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, किसी भी गेमिंग लैपटॉप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हीटिंग इशू। गाइस बहुत ज़्यादा हीट होता है सारा लैपटॉप, मतलब कि आपके जो मिड रेंज लैपटॉप होते हैं, मतलब 30,000 या 40,000 वाले, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू होती है। और ये गाइस इस लैपटॉप की प्राइसिंग आपको पहले बता चुका हूँ, 10 बता चुका हूँ इस वीडियो में, 1,40,000 रुपये है, नोट कर लो कहीं भी। सो गाइस उसके हिसाब से इसमें हीटिंग इशू अगर आती है तो ये लैपटॉप बिल्कुल भी वॉट नहीं रहेगा, सही सी बात है ये। और गाइस इसमें आपको हीटिंग इशू से लड़ने के लिए ASUS और ROG सीरीज़ ने, और ROG सीरीज़ का अगर बात करें थोड़ी सी 2 मिनट के लिए हीटिंग इशू को थोड़ा साइड करते हैं। सो गाइस ROG सीरीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा फेमस, वर्ल्ड फेमस कह सकते हो, गेमिंग लैपटॉप की सीरीज़ है, और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार एक लैपटॉप रिव्यू के लिए आया, तो उसने बोला कौन सा है, तो मैंने बस बोला ROG का है, तो ROG का है तो अच्छा होगा, इस टाइप की चीज़ होती है यार, इतना ज़्यादा फेमस है। और गाइस अगर बात करते हैं हीटिंग इशू की, सो गाइस इसमें ASUS ने यूज़ किया है थर्मल प्रो कूलिंग सिस्टम नाम से, और गाइस इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीम लेवल की हीटिंग इशू से लड़ने के लिए क्षमता रखता है ये लैपटॉप क्षमता। और गाइस ये इसमें आपको 12 वाट के 2 यहाँ पे फैन लगे हुए हैं, और ये फैन बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांग है, और इसमें आपकी जो प्लेट है वो भी थोड़ी सी बड़ी है, मतलब एयर फ्लो की, और ये फैन बहुत ज़्यादा कैपेबल है हीट को आपको रिड्यूस करने के लिए। और इसमें आपको एंटी डस्ट फैन भी है, इसका मतलब है कि अंदर में जो गंदगी होती है जो हम लोग के यहाँ जाती रहती है वो भी निकलता रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि अंदर में अगर गंदगी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, उसके हिसाब से इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपको यहाँ पर हीटिंग के लिए ऊपर नीचे चारों तरफ से बहुत तगड़े वाले लगे हुए हैं एंटी डस्ट। तो बस सिंपल सी बात यह है कि 6 घंटे की इंटेंस गेमिंग के बाद भी इसमें हीट बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं मतलब थोड़ा बहुत हुआ था। कि देखो ये क्या है स्क्रीन की, इस तरफ शायद इसकी बैटरी है, और यहाँ पे आपको मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको फैन है, और यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड है, और यहाँ से थोड़ी थोड़ी हीट होती है, कि राइट ही साइड से थोड़ी सी हीट होती है, और इस तरफ से नॉर्मल जो ठंडा रहता है वैसे ही है, और ठंड सर्दी के दिन तो और ठंडा है, अभी भी ठंडा ही हो रहा है। सो उसके हिसाब से इसके जो हीटिंग इशू में कोई परेशानी नहीं आई है, और किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी, आई एम 100% श्योर गाइस। और गाइस अब बात कर लेते हैं इस गेमिंग लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस की। सो इसमें जो आपको रिफ्रेश रेट मिलता है वो 144 हर्ट्ज है, जो कि सबसे ज़्यादा गेमिंग रिफ्रेश रेट है, अभी भी किसी लैपटॉप में इतना इससे ज़्यादा नहीं आया है। और उसके हिसाब से जो गेमिंग लैग है वो 0% मिलेगा, आपको बिल्कुल लैग नहीं मिलेगा। और गाइस अगर बात करते हैं इसके इंटरनल्स की, तो आपके यहाँ पे 6 GB का ग्राफिक्स रैम है, और ग्राफिक कार्ड इसमें आपको NVIDIA का 1060 है, जो कि बहुत अच्छा है। SSD आपको 256 GB है, आई एम श्योर 256 GB है, और वो भी आपको एक्सपेंडेबल है, तो आप SSD को और एक्सटर्नली लगा के बढ़ा सकते हो, जिससे और आपको ज़्यादा गेमिंग इंप्रूव होगा और ज़्यादा गेम डाल के खेल सकते हो। और दूसरी बात यह है कि इसके आपको रोम अगर रैम की बात कर लें, तो आपको यहाँ पे 16 GB का रैम इंटरनल मिल जाएगा, यानी कि आपको 16 GB का रैम है, 6 GB ग्राफिक्स रैम है, 1060, और आपको 1 TB का हार्ड ड्राइव मिल जाएगा इसमें। तो गाइस आपको यहाँ पे स्टोरेज की और गेमिंग डालने की कोई परेशानी नहीं होगी,
मैं खुद आपको चार गेम डाल के खेल रहा था। GTA 5 खेला मैंने, टॉम रेडर नया वाला खेला, राइज ऑफ द राइजन नाम है उसका आई गेस। और उसमें आपको फिर मैंने अपना बहुत पुराना बहुत फेवरेट गेम खेला था इसमें, जिसके आप वीडियो देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, इसका नाम है रॉकेट लीग। खेला था बच्चों वाला गेम है मेरे को पता है, लेकिन मेरे को बहुत पसंद था उसका कॉन्सेप्ट। मैं बहुत पहले से खेल रहा हूँ उस गेम को। सो रॉकेट लीग भी बहुत मस्त चला था इसमें। और इसमें आपको मैंने एक दो रेसिंग गेम भी खेला जो कि सब सही चल रहे थे। मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई, लिटरली 0% परेशानी हुई रिगार्डिंग गेमिंग। गाइस अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की, गाइस बैटरी की। सो गाइस बैटरी गेमिंग लैपटॉप्स में कमज़ोर होती है, बेकार होती है, सबको मालूम है। और इसमें भी बैटरी आपको बेकार है। बेकार का मतलब है कि 2 घंटे से 2.5 घंटे चलेगी फुल चार्ज में, और वो बहुत कम होता है। और मैं गाइस रिकमेंड करता हूँ आपको, कभी भी आप गेम खेलो तो बिना बैटरी चार्ज लगाए मत खेलना, अदरवाइज इसका जो इंटरनल से उसमें प्रॉब्लम आती है, और ज़्यादा हीट होता है और ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो कभी बहुत ज़्यादा सिनेरियो में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होके प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाता है अंदर। तो जब भी आप गेमिंग करो तो चार्ज लगा के ही गेमिंग करना है। अब बात कर लेते हैं गाइस इसमें नॉर्मल प्रोडक्शन यूज़ के लिए। सो गाइस प्रोडक्शन यूज़ में जैसे कि आपको फिल्मोरा बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर एडिटिंग का, लेकिन अडोबी या फिर सोनी वेगस और बहुत सारे जो भी अडोबी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं सब बड़े आराम से चलेंगे। मैंने इसमें आपको 2-3 सॉफ्टवेयर लगा के देखा और बहुत आराम चल रहा था, कोई परेशानी हुई। सो गाइस ओवरऑल क्या है कि आपको इस लैपटॉप में कभी भी कोई परेशानी होगी। और इसमें कौन सी अगर बात कर लें तो मुझे बैटरी में कौन लगी, थोड़ी सी अच्छी बैटरी हो जाती तो शायद अच्छा रहता, लेकिन गाइस इसका वेट भी देखना पड़ेगा। वेट भी आपको 2.4 है और उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और गाइस कुछ तो बचा नहीं है मेरे को लगता है बताने के लिए, और अब बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की। सो गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आई नो दैट, लेकिन हाँ जब थोड़े सा पैसा ज़्यादा लगता है बंदे का तो थोड़ा लंबी वीडियो देखनी चाहिए। सो गाइस अगर पैसे अगर बात कर लें तो 1,40,000 रुपये का लैपटॉप है, और आई डोंट थिंक कि मैं कभी खर्चा करूँगा एक, क्योंकि मैं गेमर नहीं हूँ। लेकिन हाँ एज अ गेमर आप लोग को ये लैपटॉप आपकी पूरी नीड देगा। लेकिन हाँ इसमें आपको कैमरा वो बेकार सा है, सो कैमरा के लिए आपको शायद एक्सटर्नली कैमरा लगाना पड़ेगा, इंटरनल वाला कैमरा तो घटिया है। और ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में बहुत प्यारा है, बिल्ड भी बहुत अच्छी है इसकी, ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है इसमें, लोग गेमिंग भी काफ़ी अच्छा, ग्राफिक्स भी अच्छा है। 144 हर्ट्ज़ का आपको डिस्प्ले कितना मस्त सा है, और इसमें आपको SSD भी आप एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हो। सो ओवरऑल ये लैपटॉप बहुत कमाल का है, कीबोर्ड भी इसका बहुत डोप है। और गाइस इसके स्पीकर्स भी आपको 2 स्पीकर्स हैं हारमन वाले, और वो भी स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं। इसमें बेस है गाइस लिटरली, बहुत सारे लैपटॉप में आपको जो साउंड क्वालिटी होती है वो ठीक ठाक सी होती है, धीमी धीमी सी होती है, लेकिन इसमें गाइस आपको बेस मिलता है, वो मतलब बहुत कमाल की चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, लेकिन उसके हिसाब से वॉइस साउंड अच्छा है, मतलब कहने की बात हो जाएगी। सो ओवरऑल गाइस 1,40,000 में थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लग रहा है, 1,43,000 है। लेकिन हाँ अगर इस लैपटॉप की प्राइसिंग है गाइस आपको 1,35,000 या 1,30,000 से बीच की होती तो मैं इसको वर्थ कहता, और अगर 1,25,000 होती तो सुपर वर्थ। लेकिन हाँ 1,40,000 में बस अच्छा सा प्राइसिंग है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग नहीं है। सो उसके हिसाब से ये डिसाइड आपको करना है कि आपको लेना है कि नहीं लेना। हाँ अगर आप गेमिंग लैपटॉप देखना चाह रहे हो थोड़ा सा मस्त क्वालिटी में, RGB कीबोर्ड के साथ और बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ, 144 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट चाहिए, सो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए गाइस, आई थिंक कि मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है। और अगर कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो बस इंस्टाग्राम पर DM कर लो या कहीं भी कमेंट में पूछ लो, और बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे खरीद लो, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी। 1,40,000 का खरीदोगे तो मज़ा आएगा फिर। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ परेशानी है, कुछ सजेशन देना तो प्लीज़ कमेंट करो। और इस वीडियो के लिए इतना ही था, और कैसे लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।